पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के टैंक रूस पर करारा हमला कर रहे हैं। तो रूस ने भी एक नए हथियार को युद्ध मैदान में लॉन्च कर दिया है। ये हथियार है तो मिसाइल, इसे कंधे पर रखकर सैनिक कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के टैंकों के लिए ये मिसाइल काल बन गई है। अपनी सटीकता के कारण पोर्टेबल मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ज्यादा सटीक मार कर रही है। यूक्रेन के बेहतरीन माने जाने वाले लेपर्ड टैंक की लुटिया भी रूस की नई मिसाइल का नॉट नहीं डुबोई है। पुतिन को अब तक अपने नामी गिरामी मिसाइलों से जो कामयाबी नहीं मिल रही थी वो कॉर्नेट से हासिल हो रही है। ये जब मैदान में होता है तो रूस को सुखोई उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब ड्यूटी पर तैनात होता है तो रूस को हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती नहीं करनी पड़ती। ये जब चलती है तो दुश्मन का दिल दहल जाता है। इसकी रफ्तार, इसकी सटीकता से यूक्रेन गया है। पुतिन के इस नए हथियार का नाम है कॉर्नेट मिसाइल। पुतिन ने लॉन्च किया ज़ेलेंस्की का कार। यूक्रेन के टैंकों का संहारक आ गया। दुश्मन को चकमा देने में उस्ताद। रेंज में आने पर सब धुआं धुआं और राख। पुतिन ने गोदाम से निकाल दिया सबसे नया हथियार। इस मिसाइल की क्षमता का सबसे ताजा उदाहरण माना जा रहा है यूक्रेन के तोपों की तबाही। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल ने हाल में ही जर्मनी की लेपर्ड टैंक और अमेरिका की ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को नष्ट कर अपनी ताकत दिखाई है। रूस की सेना के जनरल मान रहे हैं कि कॉर्नेट मिसाइल ज़ेलेंस्की के टैंकों पर कहर बनकर टूट रही है। इस मिसाइल की डिटेल आपको दिखाएं। उससे पहले एक एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका वाली ज़ेपलिन को देख लीजिए। ये एंटी टैंक हथियार रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है और अब तक रूस का भारी नुकसान कर चुका है। इस हथियार ने कैसे यूक्रेन को सहारा दिया उसकी डिटेल आगे। फिलहाल तो पुतिन की मिसाइल कॉर्नेट की डिटेल। रूस की सेना ने इन दिनों पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में टैंक हंटर टीमों को तैनात किया है। ये टीमें अपने साथ कॉर्नेट पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चरों को लेकर घूम रही हैं। इनका काम यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का शिकार करना है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल किसी भी आर्मर को भेदने में सक्षम है। 9M133 कॉर्नेट एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसे कोई सैनिक आसानी से अपने कंधे पर लादकर दूर दराज के इलाकों में इस्तेमाल कर सकता है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 5500 मीटर है। इस सीमा के भीतर यह एंटी टैंक मिसाइल किसी भी बख्तरबंद वाहन, टैंक या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को नष्ट कर सकती है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल में लगे वॉरहेड 1200 मिलीमीटर मोटे टैंक कवच को आसानी से छेद सकते हैं। वर्तमान में दुनिया के अधिकतर टैंकों के आर्मर प्लेट लगभग इतने ही मोटे हैं। इसे आमतौर पर किसी वाहन पर तैनात किया जा सकता है। कॉर्नेट मिसाइलों को आधुनिक टैंकों में लगे एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। कॉर्नेट मिसाइलों का इस्तेमाल टैंकों का शिकार करने के अलावा इमारतों और दुश्मनों की किलेबंदी को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। पुतिन ने हमले की शुरुआत से ही मिसाइलों का इस्तेमाल नंबर वन पर रखा है और दूसरे नंबर पर है टैंकों की ताकत का प्रदर्शन। दुनिया में टैंकों के मामले में रूस संख्या और ताकत दोनों में नंबर वन है।
लेकिन यूक्रेन के मैदान में जैवलिन मिसाइलों ने रूस के T-72 टैंकों को जिस तरह से रौंदा, उसने रूस की टैंक इंजीनियरिंग पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि ठीक इसी वक्त हल्की कंधे पर धोने वाली अमेरिका की जैवलिन ने कमाल कर दिया। कॉर्नेट अब एक्शन में है तो इसकी तुलना जैवलिन मिसाइल से होनी ही है। जैवलिन मिसाइल दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंकों को भी उड़ा सकती है। ये मिसाइल दो बार में अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद ये और अधिक शक्ति के साथ कवच को भेदने का काम करती है। इस मिसाइल की रेंज 2500 मीटर होती है, जो किसी आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम होती है। जैवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेन के सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं, जबकि दूसरे एंटी टैंक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए ट्राईपॉड की जरूरत पड़ती है। रूस जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है, उससे न रूस के गोदामों के हथियार से खाली होने की बात अफवाह साबित होती दिख रही है। बखमूत के फ्रंट से जिस तरह से वैगनर आर्मी चीफ की पुतिन से हथियार देने की मांग की खबर आई, उससे लगा कि जेलेंस्की के काउंटर अटैक के वक्त कहीं रूस के हथियार कम न पड़ जाएं। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। रूस लगातार नए नए हथियार लॉन्च कर रहा है, यूक्रेन के नए नए इलाकों में हमला कर रहा है। Констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. में इस वक्त यूक्रेन ने टैंकों से एक मजबूत रक्षा पंक्ति खड़ी कर दी है। इन टैंकों को तबाह करने के लिए पुतिन ड्रोन हमले का सहारा ले रहे हैं, मिसाइलें गिरा रहे हैं, लेकिन उन सब में सटीक नतीजा दे रही है ये पोर्टेबल कॉर्नेट मिसाइल। यूक्रेन इस वक्त जवाबी हमले के अभियान पर है। दक्षिण यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या है। इस दिशा में आगे बढ़ने पर यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते को निशाना बना सकती है। इससे दोनों ही दिशाओं में रूस की सप्लाई लाइन टूट जाएगी। हालांकि रूस की सेना ने भी इस इलाके में जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है। यहाँ रूस के सैनिकों ने कई रक्षा पंक्तियां और यहां तक की बड़ी बड़ी खंदकें भी बना रखी है। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमूत पर कब्जे की लड़ाई इस युद्ध का सबसे लंबा और खूनी संघर्ष साबित हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बखमूत को यूक्रेन के कौमी मनोबल का किला कहते हैं। अगर यूक्रेन की सेना बखमूत पर दोबारा कब्जा कर पाने में कामयाब रहती है तो इससे सामरिक रूप से अहम उपासना होरलिवका और अवदीविका शहरों पर रूस की रक्षा पंक्तियां ध्वस्त हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की के इस प्लान पर अमल को रोकने के लिए पुतिन के पास जो सबसे कारगर हथियार है, रूस उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन पहले ही चीन से आए युद्धक ट्रक की तस्वीरें सामने आई हैं। जिसे पुतिन ने चेचन कमांडर और रूस के जनरल रमजान कादिरव को सौंपी है। इसका मतलब है कि पुतिन युद्ध में वहीं खड़े हैं जहां कल थे। ज़ेलेंस्की की चाहतों के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन की जमीन नहीं छोड़ रही, ना ही विदेशों से आए हथियार के बूते ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों को अपनी जमीन से खदेड़ देने में सक्षम हो पा रही है। लेकिन हथियारों की होड़ शुरू है। Украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Двое суток предыдущих, они были очень интенсивными. И ни на одном из участков противник успеха не имел. Хатьяронки Джанка Акхри от Диалекхенге.
लिहाजा पुतिन के पास पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे जा रहे हथियारों की पूरी फहरिस्त मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि मान ले कि अमेरिका हमारी जानकारी के मुताबिक हर महीने 14,000 से 15,000 गोले का उत्पादन करता है। हमारे अनुमान के मुताबिक यूक्रेनी सेना दुश्मनी में प्रतिदिन 5,000 गोले तक का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इतनी डिलीवरी कितने दिनों में होगी और यूक्रेन उतने गोलों से कितने दिनों तक युद्ध लड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब नेटो के पास हो सकता है, क्योंकि नेटो ने जिस दिन यूक्रेन को हथियार देना बंद किया उसके अगले दिन ज़ेलेंस्की सरेंडर करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा दृश्य नहीं है, भीषण युद्ध जारी है। इस्कंदर, कालिब्र, गिंजर, ऑनेक्स, रूस अब तक यूक्रेन के खिलाफ इन बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं निकला। इसका एक कारण तो यूक्रेन में तैनात एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है और दूसरा कारण है यूक्रेन की जवाबी हमले की तैयारी का होना। यहाँ ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि यूक्रेन रूस के मिसाइल हमले को ट्रैक करने में भी कामयाब हो रहा है। ऐसे में महंगी से महंगी पुतिन की मिसाइल यूक्रेन के एक टैंक को बर्बाद करने में खर्च हो जाती है और कई बार तो टारगेट तक चूक जाती है। लेकिन कॉर्नेट से अब ऐसा नहीं होगा, ये जब भी चलेगी दुश्मन की मौत निश्चित है।